झारखंड का महत्वपूर्ण पर्व करम महोत्सव आगमन को लेकर क्षेत्र में काफी उत्साह है। इसी निमित्त परजन बीएड कॉलेज बलियापुर के भी छात्राओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। साथ ही साथ करम त्योहार को लेकर अपनी भूमिका भी निभाने का कार्य किया, जो क्षेत्र के विभिन्न टोला एवं गाँव में भी बालिकाओं द्वारा परंपरागत जावा डाली को स्थापित करने के साथ ही भाई बहन के प्रेम का प्रतीक इस पर्व को धूमधाम से शुरू की। इस दौरान सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी सह भाजपा नेत्री तारा देवी ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि भाद्र महीना शुक्ल पक्ष एकादशी के अवसर पर कर्मा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व के एक सप्ताह पूर्व ग्रामीण बालिकाएं अपने नजदीकी तालाब, जोड़िया नदी आदि जलाशयों के किनारे पहुँच बालिकाएं बांस की डाली में बालू रखकर उसमें कुर्थी, मूंग आदि के बीजों को जावा करती है। पारंपरिक गीत जावा माई जावा किया गया। जैसी पारंपरिक गीत गाते हुए जावा डाली को स्थापित करती हैं, इसके बाद पारंपरिक विधि विधान के साथ जावा डाली को अपने घरों में लाती हैं। कर्मा पर्व के दिन तक यानी एक सप्ताह तक सुबह शाम कर्म अखाड़े पर जावा डाली को रखकर बालिकाएं सामूहिक रूप से जावा बेढ़ा यानी जावा नृत्य गीत प्रस्तुत करती हैं। नृत्य गीत का यह दौर कर्मा पर्व के दिन तक चलते रहता है। कर्मा पर्व के आगमन को लेकर खासकर ग्रामीण युवतियाँ एवं महिलाओं में काफी उत्साह है। क्या निभाई है आज, क्या कुछ कार्यक्रम रहा और क्या कुछ प्रेरणा मिल रहा है इसमें? आज परजन्य बीएड कॉलेज की ओर से झारखंड का महत्वपूर्ण पर्व करम महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिनमें से हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, सभी शिक्षक गण हैं और सभी हमारे विभिन्न विभिन्न बैचों के छात्र छात्राएं हैं। झारखंड का जो कर्म पर्व है ये प्राकृतिक का पर्व है और इनको 9 दिन का त्यौहार माना जाता है। पहले दिन से ही कर्म पर्व का उत्सव शुरू हो जाता है। ये पर्व बड़ी ही नियम धर्म का पर्व है। सुबह सुबह बहनें तालाब में जाती हैं बालू और नए कुपा डाली लेके, उसमें 3 प्रकार 5 प्रकार या 9 प्रकार का उसमें कुर्थी होता है, मूंग होता है, सभी प्रकार के उसमें दाने डाले जाते हैं, उसमें हल्दी भी रहता है, तेल भी मिलाकर। और उसी दिन से बहनों का जो पालन शुरू हो जाता है, बहुत ही लहसुन प्याज नहीं खाना है, जैसे तालाब में बाल को खोलकर नहीं नहाना है, उस तरह का जावा टेढ़े हो जाते हैं, जैसे गुड़ खाते हैं, दही खाते हैं, तो उसमें भी देखने को मिल जाता है कि ये बहन पालन नहीं कर रही है तो जावा खराब हो जाता है। और अपने भाइयों की दीर्घ आयु के लिए जैसे जैसे वो मतलब 1-2 दिन 3 दिन से उनका जो हरियाली जैसे जैसे बढ़ता है, उनका भाई का दीर्घ आयु भी बढ़ते जाते हैं और उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए बहनें व्रत रखती हैं। और उपवास के दिन पूरी रात लोग उपवास में रहती है और पारण के दिन फिर उसी तालाब में ले जाके विसर्जन करते हैं और अपने भाइयों के लिए दीर्घ आयु की प्रार्थना करती है। आज कहाँ कहाँ कार्यक्रम है मैम आपका? आज तो पहले परजन्य बीएड कॉलेज में, इसके बाद हमारे पहाड़पुर ग्राम में शिव मंदिर में है, वहाँ भी यहाँ के बाद वहीं जाना है। बहुत वहाँ भी विभिन्न विभिन्न गाँवों से आए हुए हैं कर्मा का उत्सव मनाने के लिए, बस उसी को सफल बनाने के लिए मैं यहाँ से निकल रही हूँ।